डियर नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन अभी मैं जिस मेन रोड पे चल रहा हूँ, ये मेन रोड है वाकेंट सिटी का, यानी जो वाकेंट का मेन बिलीवर्ड है, मैं उस पर अभी सफ़र कर रहा हूँ। इस रोड को काफ़ी मेंटेन किया गया है, इस रोड पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है खूबसूरती के लिहाज से। मुख्तलिफ किस्म के पौधे फूलों से मुज़य्यन किया गया है इसको। इस रोड पर आप चल रहे हों तो आपको इस्लामाबाद वाली फीलिंग आती है। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, नहायत ही साफ सुथरा और वेल मैनेज्ड। ट्रैफिक के लिहाज से तमाम सिग्नल काम कर रहे होते हैं इसके। ट्रैफिक कवानीन की बहुत सख्ती से यहाँ पर पाबंदी की जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करें यहाँ पर, कि हर जगह से हर साइड से आपको मुख्तलिफ कैमरे वगैरह और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहती है हर टाइम यहाँ पर। क्योंकि ये एक कैंट एरिया है, यहाँ पर हर तरह के कवानीन की बड़ी सख्ती से पाबंदी की जाती है। आप ओवर स्पीड भी नहीं चल कर सकते यहाँ पर, अगर करेंगे तो फौरन आपका चालान आपके हाथ में होगा। बहुत ही पुरसकून, बहुत ही खूबसूरत रोड। ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का टोटल रोड है। बेसिकली ये किसी वक्त पुराने वक्तों में ये जीटी रोड का एक हिस्सा था रोड, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे वाकेंट तरक्की करता गया, तो फिर ट्रैफिक के मसाइल की वजह से जीटी रोड को बाईपास करना पड़ा। और अभी जीटी रोड जो है, जो नए वाला है, वो वाकेंट के बाहर से गुज़रता है। तो लिहाजा अभी जो ये वाला रोड है जो वाकेंट के अंदर से गुज़र रहा है, इसकी सारी मेंटेनेंस, इसकी सारी लुक आफ्टर, इसकी खूबसूरती में जो जो चीज़ें करनी हैं वो इसको कंटोनमेंट बोर्ड देखता है, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत है रोड ये। इस रोड से गुज़रना भी एक किसी टूर से कम नहीं है, एक इसका अपना मज़ा है। आपकी आंखों को ठंडक मिलती है, आप एक फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ फूलों वाले पौधे, दरख्त, और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। आबादी थोड़ी सी मतलब साइड पे है रोड से, जहाँ जहाँ पे आपको बैरियर नज़र आएंगे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग ओवर स्पीड ना करें। इस रोड पर सफ़र करना बहुत ही मज़ा करता है, बहुत खूबसूरत रोड है।
तो डियर नाजरीन, अभी मैं बाहर निकलने वाला हूँ वाकेंट से, अभी मेरी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।